हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर किसी व्यक्ति की बिना वसीयत बनाए ही मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से होगा और उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। हम बात करेंगे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में। कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए ही मर जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा किस हिसाब से किया जाएगा। जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उसी तरह से अलग अलग धर्मों के लिए जो सक्सेशन एक्ट हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो हिंदुओं के लिए होता है। अगर किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत बनाए तो ऐसे में उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी किस किस को मिल सकती है, इसका प्रोविज़न इसी अधिनियम के तहत हमें बताया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए ही हो जाती है तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसकी विधवा यानी कि विडो वुमेन, उसके बच्चों और उसकी माँ में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन अगर मरने वाले का कोई बेटा था और उस बेटे की मृत्यु जो है उस व्यक्ति से पहले हो गई थी तो ऐसी कंडीशन में अगर वो बच्चा शादीशुदा था तो उसकी विधवा को भी उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। उस पुत्र की विधवा और उसके बच्चों को भी ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के रूल के अनुसार अगर कोई हिंदू पुरुष अपनी पत्नी के रहते बिना डाइवोर्स दिए दूसरी किसी महिला से शादी कर लेता है तो उस दूसरी महिला का उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उसके बच्चों का पहली पत्नी के बच्चों की तरह ही उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर बराबर का हिस्सा होगा। इसी तरह से अगर कोई हिंदू महिला मर जाती है बिना वसीयत बनाए तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके पति और उसके बच्चों के बीच में हो जाता है। उस महिला की मृत्यु के पहले अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे होते हैं तो उसके बेटे के बच्चों को भी उसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर कोई हिंदू व्यक्ति मरता है और उसके परिवार के जो नज़दीकी रिलेटिव हैं वो जिंदा नहीं हैं तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से विभाजित होगी, चलिए ये भी जान लेते हैं। मरने वाले का बेटा, उस व्यक्ति की विधवा, या फिर मरने वाले के बेटे का बेटा या फिर बेटी, या फिर मरने वाले की बेटी या फिर उसकी उसके बेटे की विधवा, या फिर मरने वाले के बेटे का बेटा, या फिर मरने वाले के बेटे की विधवा, या फिर मृतक के बेटे की बेटी, इन लोगों में ये प्रॉपर्टी विभाजित होगी। इसी तरह से हम बात करें मुस्लिम लॉ में, तो मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार शिया और सुन्नी लॉ के अनुसार होता है। मुस्लिम लॉ में शिया और सुन्नी लॉ के अनुसार अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जो दोनों में एक जैसे लागू होते हैं। जैसे कि अंतिम संस्कार के खर्चे के अलावा या फिर लोन में लिए गए पैसे हैं उनके खर्चों को निकालकर उनकी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा ही वो वसीयत कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ में पुरुष वारिस को महिला वारिस से दुगना प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। इसी तरह अगर हम ईसाइयों की बात करें तो जो मृतक व्यक्ति है उसकी विधवा को उसकी प्रॉपर्टी से 1/3 हिस्सा मिलता है और बाकी का जो 2/3 हिस्सा होता है वो उसके उत्तराधिकारियों में बराबर बांट दिया जाता है। बेटे और बेटियों को इसमें बराबर का हिस्सा दिया जाता है। अगर पिता की मृत्यु से पहले ही बेटे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बेटे के बेटे को यानी कि पोते को उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलता है। अगर उस व्यक्ति की विधवा ही जिंदा हो तो ऐसे में उसे उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलता है और आधा हिस्सा मृतक के पिता को दे दिया जाता है। लेकिन अगर फादर जिंदा नहीं है तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसकी माँ, भाई या फिर सिस्टर को मिल जाता है। और इस लॉ के अनुसार किसी महिला की प्रॉपर्टी का भी इसी तरह से बंटवारा किया जाता है। इसी तरह हम अगर पारसियों की बात करें तो उनमें अगर किसी व्यक्ति की बिना वसीयत बनाए ही मृत्यु हो जाती है तो पारसियों में प्रॉपर्टी उसकी विधवा स्त्री, उसके बच्चे और उसके माँ बाप के बीच बराबर बांट दिया जाता है, लेकिन बेटे और उसकी विधवा को लड़कियों से दुगना हिस्सा मिलता है। जो फादर होते हैं उन्हें पोते के हिस्से का आधा और माँ को पोती के हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है। किसी महिला की प्रॉपर्टी उसकी पति और उसके बच्चों में इक्वल शेयर की जाती है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी किसी महिला की है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड उसके बच्चों में इक्वल शेयर की जाती है। लेकिन पति की प्रॉपर्टी के बंटवारे के टाइम अगर पत्नी की कोई निजी प्रॉपर्टी है तो वो उसके अंदर नहीं जोड़ी जाती, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है।
पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टी में उसकी इनकम, प्राइवेट प्रॉपर्टी और मैरिज के टाइम मिलने वाले जो गिफ्ट हैं वो उसमें शामिल होते हैं। मैरिज के टाइम जो भी दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट होते हैं, जेवर होते हैं या फिर जो भी चीज़ें उसे गिफ्ट करी जाती हैं वो स्त्री धन के अंतर्गत आते हैं और वो दुल्हन के होते हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये क्लियर भी कर दिया है कि हिंदू मैरिज लॉ की धारा 27 के अंतर्गत स्त्री धन पर स्त्रियों का पूरा अधिकार होता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में ये भी क्लियर कर दिया कि हिंदू मैरिज लॉ की जो धारा 27 है उसके अंतर्गत जो स्त्री धन है उस पर अधिकार पत्नी का होता है और एक पत्नी को उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।